आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट, एयरफोर्स रिजल्ट की पेंडिंग भर्ती प्रक्रियाओं के लाखों बच्चों को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। वो आए दिन सोशल मीडिया पे चर्चा करते रहते हैं कि हमारा फैसला कब आने वाला है। आए दिन वो इस बात को लेकर जिज्ञासु हैं कि हमारा फैसला किस तारीख को आने वाला है। न जाने नित रोज कितनी चर्चाएं इस बात को लेकर उन युवाओं के बीच बनी रहती है। साथियों, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई निश्चित तारीख नहीं है, लेकिन आज से दिल्ली हाईकोर्ट की कार्रवाई के दिन फिर से शुरू हो चुके हैं। छुट्टियों का दौर समाप्त हो चुका है। हालांकि वैसे ही हमारे केसेस को लेकर सुनवाई का दौर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फैसले का इंतजार जैसे आपको है साथियों, ठीक वैसे हमें भी है। लेकिन जिस तरीके से शुरू से जो आभास था इस बात का कि छुट्टियों के बाद किसी भी समय किसी भी क्षण ये फैसला आ सकता है, जी हां, इसको लेके पहले नोटिफाई भी करवाया जाता है। दरअसल छुट्टियों के दरमियान भी कई फैसले आ रहे थे। उस समय हमारे कई सारे साथियों ने हमसे निरंतर ये पूछा भी था कि आखिरकार हमारा फैसला कब आएगा, क्योंकि छुट्टियों के अंदर बाकी के फैसले भी आ रहे हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि छुट्टियों के दरमियान जो फैसले आ रहे थे उनकी समय सीमा काफी पहले की थी। हालांकि ऐसा भी था कि हमारा भी उस दरमियान फैसला आ सकता था, क्योंकि एसएससी को लेके जजमेंट सामने आया था। उस रिक्रूटमेंट का जो केस था, उस केस की सुनवाई भी ठीक हमारे केस के समकक्ष उसी दरमियान उसी समय सीमा में हो रही थी। लेकिन बहुत सारे साथी अब जो है वो निरंतर दिल्ली हाईकोर्ट के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, क्योंकि जैसे ही छुट्टियों का दौर समाप्त हुआ है, युवाओं को उम्मीद है कि किसी भी दिन फैसला आ भी सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में जजमेंट को लेकर पहले एक दिन पहले जो नोटिफाई करवाया जाता है, तो साथियों आज के दिवस में, आज के कार्य दिवस में हमारे फैसले के जजमेंट को लेकर किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं करवाया गया है। हालांकि ये भी साथियों एक अलग बात है कि हमारा जजमेंट किस दिन आए उससे पहले हमें नोटिफाई करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कार्य प्रणाली की बात की जाए तो ऐसा होता भी आया है। जिस दिन हमारा जजमेंट आता है उससे ठीक एक दो दिन पहले हमें नोटिफाई भी करवाया जाता है। संभवतः 80-90% ये रेशियो बना रहता है कि हमें पहले बता दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। दूसरी ओर सैन्य मामलों के जानकारों का कहना है कि अग्निपथ योजना का इससे जुड़ाव है और निश्चित फैसले में देरी होने का कारण भी ये बन सकता है, क्योंकि डिफेंस पॉलिसी से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और एक साथ इसके ऊपर जजमेंट भी आने वाला है। साथ ही सुनवाई का दौर था और साथ ही फैसले आने को लेके इसमें देरी का कारण है वो बताया जा रहा है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर युवा जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जिस तरीके से फैसला दिया है नोटबंदी को लेके सरकार के पक्ष में, उसके बारे में युवा चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। तो साथियों, आप इतने तो समझदार हैं कि आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मुद्दा अलग है, उसके तर्क अलग हैं और आपकी पेंडिंग रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर्स है उसके तर्क अलग हैं। वजन कितना है केस के अंदर ये आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी आप किस दौर की बातें किस तरीके से चर्चा में लाते हैं, वाकई में इसको जानकर हमें भी हैरानी होती है। नोटबंदी को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सामने रखा गया है उसका आपसे कोई भी संबंध नहीं है और आपसे गुजारिश करते हैं कि इसकी चर्चा भी आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर साथियों, आपको फैसले की तारीख का निरंतर इंतजार है, लेकिन आपको बताते चले कि आज के दिन के पश्चात कभी भी आपका फैसला आ सकता है। शुरू से ही हम इस बात की आशंका जता रहे थे जब हमने दिल्ली हाईकोर्ट के उन तमाम अधिवक्ताओं से चर्चा की थी कि फैसला कब तक आ सकता है। जब अंतिम सुनवाई थी तब उन्होंने कहा था कि आप इस बात के शुक्र गुजार रहिए कि आपकी जितने भी ये सुनवाई का दौर है वो दिसंबर तक कंप्लीट हो गया है। उनका उस समय कहना था कि जनवरी के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह के अंदर कभी भी आपका फैसला आ सकता है, उन्होंने इसी दौर की संभावना जताई थी। आपके उस सवाल को भी हमने उनके सामने रखा था कि छुट्टियों के अंदर सारे फैसले आ रहे हैं, फिर हमारा क्यों नहीं। तब उन्होंने कहा कि 99% चांसेस है वो 4 जनवरी के बाद ही बताए जा रहे हैं। अब साथियों, जिस तरीके से आपको इंतजार है उस तरीके से हमें भी इंतजार है। उम्मीद करते हैं कि बेहद जल्द फैसला आएगा और हमारे हित में न्याय होगा। फैसले को लेकर साथियों आप क्या उम्मीदें रख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। अपने मेजबान धनेश को दीजिए यहां इजाजत। सैन्य भर्ती से जुड़ी हुई लेटेस्ट, ताजा, सटीक विश्लेषण जानकारी के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार के यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें।
वीडियो के अंत तक आप बने रहे इसके लिए साथियों आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।